हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम आपको पढ़ाएंगे चोपर। चोपर क्या होता है, चोपर का सिंबल क्या है, चोपर का एप्लीकेशन क्या है, चोपर कितने प्रकार का होता है और चोपर किसकी भांति कार्य करता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए चोपर, चोपर चोपर का यह आपका सिंबल है। इसको एज ए स्विच, चोपर आपका एज ए स्विच, जैसे अगर आपको कहीं पर डैश डैश के कॉलम में स्विच का सिंबल मिलता है, कहाँ पे अगर कहीं पर भी आपको डैश डैश के कॉलम में स्विच का सिंबल मिलता है तो वह सिंबल किसका होगा, वह सिंबल है आपका चोपर। तो चलिए चोपर क्या होता है, चोपर एक आपका कन्वर्टर है। कन्वर्टर का मतलब चोपर आपका कन्वर्ट करता है। चोपर एज ए वर्क ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है वैसे आपका चोपर वर्क करेगा, लेकिन दोनों की वर्किंग प्रणाली अलग होगी। दोनों आपके, चूँकि ट्रांसफार्मर आपका एसी पे काम करता है तो चोपर आपका डीसी पे वर्क करता है। जैसे ट्रांसफार्मर का यूज हम एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं, वैसे चोपर का प्रयोग हम डीसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं। तो हम डीसी वोल्टेज को वेरिएबल वैल्यू में प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, चोपर का। देखिए यहाँ पे आपको ये आपको इनपुट फिक्स्ड वोल्टेज, चोपर में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट फिक्स्ड वोल्टेज दे रहे हैं, और उसका ये आपका है डायग्राम। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारी वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है, तो चोपर में हम इनपुट फिक्स वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन जो चोपर से हमें आउटपुट में मिल रहा है वह हमें मिल रहा है वेरिएबल वोल्टेज। चोपर में हमें, चोपर के आउटपुट में क्या मिल रहा है, वेरिएबल वोल्टेज। वेरिएबल वोल्टेज का मतलब चोपर के आउटपुट से हमें परिवर्तित मान का वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपको वोल्टेज मिल रहा है ये परिवर्तित मान का मिल रहा है। तो हमेशा चोपर का हम यूज कहाँ पे करेंगे, चोपर का यूज डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने का मतलब डीसी वोल्टेज को ज़्यादा या कम करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, चोपर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चोपर लाइक एज ए ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर आपके वोल्टेज एसी वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, वैसे चोपर आपके डीसी वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। ठीक, इसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ चोपर। देखिए चोपर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, हम इसका यूज, चोपर का यूज पावर कंट्रोल, चोपर का यूज हम करते हैं पावर कंट्रोल और सिग्नल एप्लीकेशन के लिए। सिग्नल एप्लीकेशन, चोपर का यूज हम पावर कंट्रोल और सिग्नल एप्लीकेशन के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट ये आपका चोपर का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में सोलर एनर्जी, कन्वर्जन, सोलर एनर्जी कन्वर्जन में
विंड एनर्जी कन्वर्जन में, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार में, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एयरप्लेन, एयरप्लेन में, स्पेसशिप, स्पेसशिप में। तो इन सब जगहों पे आपका चोपर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? हमें वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज मिले, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है चोपर के टाइप्स। टाइप्स ऑफ चोपर। तो चोपर कितने प्रकार के होते हैं? तो चोपर आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एसी लिंक चोपर, दूसरा है डीसी लिंक चोपर। पहला आपका है एसी लिंक चोपर, दूसरा है डीसी लिंक चोपर। तो चोपर आपके कितने प्रकार के? चोपर दो प्रकार के, एसी लिंक चोपर और डीसी लिंक चोपर। तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। पहला है एसी लिंक चोपर। देखिए यहाँ पे हम पहले सबसे पहले सप्लाई देंगे डीसी। एसी लिंक चोपर देख रहे हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले हम सप्लाई देंगे डीसी में, फिर यह जाएगा इन्वर्टर, फिर यह डीसी सप्लाई किस में जा रहा है? इन्वर्टर में। और आपको पता है कि इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना। अब हमें या इन्वर्टर के आउटपुट से हमें क्या मिल रही है? एसी मिल रही है। और फिर हम इस एसी को कहाँ पे भेजेंगे? इसके अंदर यहाँ पे आपका लगा है ट्रांसफार्मर, इसके बाद ये आपका डायोड, ठीक। तो अब यह आपका है ट्रांसफार्मर, यह एसी इस ट्रांसफार्मर में, एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में जाएगी, फिर ट्रांसफार्मर उसको उसके वोल्टेज को चेंज करेगा, और वोल्टेज को चेंज करने के बाद इसे डायोड में जाएगा, डायोड डी। इसके बाद हमें आउटपुट में क्या मिलेगी? डीसी। आउटपुट में हमें मिल रही है डीसी सप्लाई। तो देखिए हमने इसको दिया क्या, इस यहाँ यह आपका एसी है, एसी दे रहे हैं, इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर के आउटपुट में हमें क्या मिला? डीसी। इसके बाद नेक्स्ट फिर यह डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में जाएगी, ट्रांसफार्मर फिर डायोड में जाएगी, फिर डायोड से हमें क्या मिल रहा है? डीसी। और यह डीसी जो मिलेगा यह आपका डायोड के बाद मिल रहा है, ठीक। अब इसमें देख रहे हैं एसी लिंक चोपर में, एसी लिंक जो चोपर है उसमें हमारा कन्वर्जन प्रोसेस दो स्टेप में हो रहा है। जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तो पहला स्टेज इन्वर्टर में सप्लाई गई, फिर आपके ट्रांसफार्मर और डायोड में जाने के बाद फिर आपको मिल रही है, ठीक। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारी जो सप्लाई कन्वर्ट हो, डीसी सप्लाई डीसी में कन्वर्ट हो रही है, वह दो स्टेज में कन्वर्ट हो रही है।
अब यहीं से हम बढ़ाएं घटाएं, अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज लेना है तो स्टेप अप का लगाएंगे, कम वोल्टेज लेना है तो स्टेप डाउन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसी लिंक चोपर में जो हमारा कन्वर्जन कन्वर्ट हम कर रहे हैं सप्लाई को, वह दो स्टेज में कर रहे हैं, इन्वर्टर में, फिर आपके रेक्टिफायर प्लस ट्रांसफार्मर में, ठीक। इसलिए यह आपका इसकी एफिशिएंसी कम होती है, या एसी लिंक चोपर की जो एफिशिएंसी होगी या आपके लेस एफिशिएंसी, लेस एफिशिएंसी। उसके बाद यह बहुत बड़ा बल्की होगा, बल्कि का मतलब यह आपका भारी, बहुत बड़ा होगा, इसकी साइज बड़ी होगी। इसके बाद नेक्स्ट, और यह आपका कास्टली अर्थात महंगा होता है, क्योंकि इसमें आपके दो स्टेज का मतलब एक ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर लगाएंगे, एक इन्वर्टर लगाएंगे। तो यह एसी लिंक चोपर, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, या बल्क की होता है, मतलब कि भारी आपका बड़ा साइज होगा इसका, और यह कास्टली होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, डीसी लिंक चोपर। डीसी लिंक, डीसी लिंक चोपर। तो डीसी लिंक चोपर देखिए, अब यहां से आपको मिल रहा है डीसी, तो यहाँ पे हम डीसी दे रहे थे, डीसी लिंक चोपर देख रहे हैं, डीसी लिंक चोपर में जो हमारी सप्लाई कन्वर्ट हो रही है वह सिर्फ एक स्टेज से हो रही है, यही हमने डायरेक्ट क्या किया, चोपर में दिया, चोपर हमें आउटपुट में डीसी दे दिया, ठीक। अब यहाँ से है क्या मिला क्या आपको, कि यहाँ पे जो आपके डीसी लिंक चोपर है, डीसी लिंक चोपर की जो साइज होगी, पहला है डीसी लिंक चोपर की साइज स्मॉल होगी, इसकी इफिशेंसी हाई होगी, स्मॉल साइज होगी, इफिशिएंसी हाई होगी, और इसमें हम वन स्टेज डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमें, हम जो यूज कर रहे हैं वन स्टेज यूज कर रहे हैं, और यहां से हम अगर वोल्टेज को ज़्यादा या कम करना होगा तो इसी चोपर के माध्यम से कर लेते हैं। नेक्स्ट, यह आपका एक है स्टैटिक डिवाइस या स्थिर युक्ति है, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। तो चलिए, इसके बाद आपका जो चोपर है, चौथा स्टैटिक डिवाइस है, चोपर आपकी एक स्टैटिक डिवाइस है, इसकी साइज छोटी होगी या इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसमें कन्वर्ट करने की प्रक्रिया प्रोसेस एक स्टेज में होती है। अगर यही हम एसी लिंक चोपर की बात करें तो उसमें कन्वर्ट करने की प्रक्रिया दो स्टेज में होती थी, और इसकी जो है एफिशिएंसी है वह हमें हाई मिलती है।